नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमारी नई सुबह नई लहर के साथ, क्योंकि आज हम अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कि 9:30 हमारे लिए अर्ली हुआ। 9:30 बज चुका है। नहा धो के हम लोग रेडी हो गए। अब निकल रहे हैं जाखू टेम्पल की तरफ, जो कि यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमान जी का 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो रोप वे से चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे रोप वे का क्या है रेट प्राइस। तो बने रहो साथ में और देखते रहो वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हनुमान जी के लिए जय बजरंग बली। ₹95 का टिकट है वन वे का, 550 का है टू वे का। और हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट में। लिफ्ट में चल के 11th फ्लोर पे जाना है, वहां से हमें रोप वे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, चलो। व्हाइट टी, लेमन टी सब मिल जाएगी। पहचानो कौन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं स्टैचू ऑफ सलमान खान एंड अमिताभ बच्चन। ये दोनों नहीं, वो उधर खड़े हैं जहाँ पे अभी अपने फोटोज खिंचवाई, वो आपको हम दिखा देंगे फोटोज में। और हमारा रोप वे आने को है 10 मिनट बाद, तो हम वी आर वेटिंग हियर। आप यहाँ पे आके चाय कॉफी भी पी सकते हैं। तो अभी जब रोप वे पे चलेंगे तब आपको दिखाएंगे क्या नज़ारा है। चलो है रोप वे का नजारा देख सकते हैं आप। तीन चार चार हैं, अब हम इसमें बैठने जा रहे हैं। ये हमारा रोप वे, ओए होए, ये तो फुल सिक्योरिटी के साथ है ये बैठ। अरे यार, आदमी बीच में जरूर आएगा। We've come so far since we began this love. Been through the trenches, seen so many ups and downs, like we barely even touched the ground. तो दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं अपने रोपवे में, आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। 6 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी गिनती के 4 ही हैं टोटल। थोड़े कम लोग आ रहे हैं इस टाइम। अभी 1 महीने बाद ऐसी भीड़ लगेगी, इसमें जगह मिलेगी नहीं, लाइन लगानी पड़ेगी। और नीचे जो आपको 10 मिनट का वेट कराते हैं, वो इसलिए ताकि आप उनसे चाय पानी कुछ नाश्ता वगैरह खरीद लो, जिनका मन करे पीपा के चल देना। अब ऊपर हम लोग चल रहे हैं, देखो भाई साहब नज़ारा यहाँ से। अच्छा, पूरा शिमला का व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलता है, काफी सही। मिलते हैं आपको ऊपर हनुमान जी के पास, चलिए। कितना सही लग रहा है यार, ये आप देख सकते हैं। एक और रोप वे हमारे पीछे पीछे आना स्टार्ट हो चुकी है और हम इतनी ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए नजारा। उतर आगे से, हम लोग उतर चुके हैं। मुश्किल तो मुश्किल, हमें 2 या 3 मिनट लगे, चश्मा फोन। अरे यार, 2 या 3 मिनट हमें लगे यहाँ पे आने में। और भाई बता रहे हैं बंदरों से बच के ना, यहाँ चश्मा और फोन गायब होने की पूरी पूरी क्या कहते संभावना है। इसलिए
कृपया ध्यान रखें अपना चीजों का। अब मैं ये सब जेब में रख रहा हूँ, सीधे ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा क्योंकि डर लगता है भाई साहब, जरा से कंटेंट की वजह से फोन ना चला। आपको दिखा देता हूँ, ये रास्ता है भाई चल रहे हैं, और ये देखिए बंदर आना स्टार्ट हो चुके हैं, वो एक जंपिंग जैक कर रहा है। ये भंडारा भवन टेम्पल में आ चुके हैं। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। वीडियो का थोड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि बंदर हैं चारों तरफ, और कहा जाता है कि यहाँ पे मोबाइल भी लेके भाग जाते हैं जैसे कि मुझे एक देख रहा है, इसलिए डर लग के बहुत कम वीडियो बना रहे हैं। जहाँ पे बंदर नहीं होते वहाँ पे, तो आप लोग बने रहो साथ में, दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे हम, जरूर रिस्क ले लेंगे। चलो जय 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 बजरंगली। तो दोस्तों ये है मेरे पीछे जाकू टेंपल, हनुमान जी का बहुत ही अच्छा और ऊपर पहाड़ी पे बिल्कुल ऊपर बना हुआ टेंपल है, बहुत सुंदर। और मूर्ति जो प्रतिमा है वो इतनी बड़ी है, लेकिन बस यहाँ पे बहुत डर है बंदरों का। हमारे सामने दो लोगों के चश्मे बंदर ले गया, उतार गए वो भी, तो मोबाइल और चश्मे का बहुत डर रहता है यहाँ पे, इसलिए बहुत ही आराम से और छुप छुप के टाइप की वीडियो बनाई है जो आपके लिए पेश करिए रिस्क लेके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम नीचे उतरेंगे, वो भी आपको रास्ता दिखाएंगे। आए हम रोपवे से थे जानबूझ के कि एक साइड रोपवे से आएंगे और एक साइड हम जाएंगे पैदल, तो देखते हैं वो रास्ता कैसा है और उसमें हम आपको क्या अलग देखने को मिलता है, हमें भी और आपको भी। बने रहो साथ में, चल
तो दोस्तों हमने उतरना स्टार्ट कर दिया मंदिर से और ये काफी अच्छा सा लग रहा है देख के। यहाँ पे ऊपर सारे श्लोक मंत्र लिखे हुए हैं हनुमान जी के हर जगह। और हम लोग नीचे अब उतर रहे हैं बड़ी स्पीड में, क्योंकि देखो ढलान है बड़ी, तो सीधे उड़ते हुए ही जा रहे हैं नीचे। काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अभी आपको दिखाते हैं आगे का नजारा, देखो। ये लगभग अब हम उतर ही आए हैं, मतलब मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का उतरना था, उतर गए। वो भी हम लोग हल्के हल्के बहुत आए हैं, अगर सही से कोई उड़ता हुआ आए तो वो 5 मिनट में उतर जाएगा, ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है, बढ़िया अनुभव, बस थोड़ा वानर सेना खतरनाक है, बाकी तो ठीक था। और इस साइड उतरने वाली साइड में कोई भी एक भी बंदर नहीं है, वो ऊपर मंदिर में ही आपको बंदर देखने को मिलते हैं, बाहर नहीं। इधर चलो दोस्तों, सुपर फास्ट स्पीड में हम लोग उतर चुके हैं। टाइम अभी केवल 11:20 ही हुआ है, हम लोगों ने दर्शन भी किए, इतनी देर ऊपर रुके भी और फटाफट नीचे भी उतर आए। उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए आप अगर चाहें तो केवल वन वे का ही रोप वे ले सकते हैं कि जाने जाने में, क्योंकि जाने में ही प्रॉब्लम होती है, उतरने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। चलो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं द रिच पे, जिसे हवा महल भी कहा जाता है। अभी हमें कल पता लगा था, क्योंकि हमारे गूगल मैप ने जो किया था कि हवा महल कैसा था, तो वो इस जगह का आ रहा था, यानी ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहाँ से नीचे पूरा द रिच दिखता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए गजब पूरा, और जब अगर आप अभी न्यू ईयर पर आएंगे तो ये पूरा आपको भरा मिलेगा स्नो से, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू होता है फिर यहाँ से उसका। अभी फ़िलहाल आप ऐसे ही नॉर्मल देख लीजिए सड़क जैसा, बढ़िया। फाइनली दोस्तों हमने चेकआउट कर लिया है 12:10 पे अपने होटल रूम से, अब निकल रहे हैं कुछ भोजन ग्रहण करने, उसके बाद हम लोग नीचे उतर जाएंगे टैक्सी स्टैंड की तरफ, जो हम लिफ्ट से उतरेंगे, फिर वहां से जाना है हमें चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हमारी ट्रेन रात की, फिर दोबारा घर। नहीं तेरे नहीं हो रहे काले यार, ऐसे ही बोल रहे, इसके खुद के हो रहे ना इसलिए। ये लिफ्ट का एरिया है जहाँ से हमें नीचे जाना होता है, तो एक लिफ्ट उतरने के बाद अब हम यहाँ से दूसरी लिफ्ट लेनी है पूरी तरह से नीचे जाने के लिए। तो भी यार रीडिंग ये रही दूसरी ये देखिए, अब हमें नीचे खड़े हो गए, यहाँ से वो चर्च दिखाई दे रहा है, वहाँ से आए थे
बाकी आप नज़ारा देख सकते हैं, तिब्बत मार्केट भी है साथ में। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइजेस में कपड़े मिल जाते हैं। हुए हैं दूसरी लिफ्ट के बाहर, एक लिफ्ट से उतर के आए आधे रास्ते, अब आधे रास्ते हमें ये लिफ्ट ले जाएगी। 10 रुपए का टिकट है लिफ्ट का आपका नीचे जाने के लिए। नीचे हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पे, ये अभी आपको दिखाएंगे नीचे उतर के। चलो लाइन, ओ भाई कौन है लिफ्ट के यहाँ से रास्ता लिफ्ट का, ये रोड इधर, ये रोड। चलो फाइनली दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं शिमला से, भाई टाटा शिमला हो गया है अपना। निकल रहे हैं चंडीगढ़ की ओर, हम लोगों ने टैक्सी की है अब यहाँ से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन, फिर हमारी ट्रेन बैक टू शाहजहाँपुर अपने घर। टूर ख़त्म हो गया फाइनली, बाकी देखते हैं शिमला से निकल के चंडीगढ़ में क्या रहता है हमारा टूर और हमारा संघर्षमय सफ़र। चलो तो दिस इज़ आवर टैक्सी जैसे हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़, और भाई मतलब जो बस का ही किराया था वही भाई ने लिया है, क्योंकि भाई का कुछ कट गया था, ओला किसी ने बुक की थी इनकी शिमला से चंडीगढ़ की, लेकिन वो कैंसिल कर दी, तो भाई ने हम लोगों को कहा कि हम ड्रॉप कर देंगे, वही सेम रेट दे दे रहा जो बस वाला है। तो हम लोग चल रहे हैं वही 250 रुपये प्रति पर्सन के हिसाब से, इसमें मज़े से आराम से, मतलब किस्मत थी थोड़ी बहुत अच्छी हम लोगों की, हम लोगों को मिल गया ये। और अब चलते हैं, निकलते हैं भाई साहब चंडीगढ़। अभी तो शिमला रुके, थोड़ा गन्ने का रस पी रहे ये लोग, इधर है गन्ने का रस और मैगी वगैरह आपने खानी हो तो, मतलब इन लोगों ने खानी है खा रहे हैं। हम निकलते हैं आगे फिर, हाँ अभी हमारी रिजर्वेशन वैसे कंफर्म नहीं हुई है, RAC में ही है, भगवान करे चार्ट प्रिपेयर होने पे कंफर्म हो जाए, वरना लग जाएगी भाई बहुत लंबा सफ़र है, ऐसी तैसी हो जानी है। मिलते हैं आपसे शाहजहाँपुर में, चलिए। Your pretty eyes make me smile.